हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डू मैथ्स। प्लीज टेक दिस मार्वल सेमेस्टर सीरीज सीनियर केजी बुक टू। ओके, टर्न योर पेज एंड ओपन पेज नंबर 132। पेज नंबर 132 पर पहले आपको क्या करना है? यस, यहाँ पे ऊपर आज की डेट लिखनी है। लिख दी डेट। अब आज हम क्या सीखने वाले हैं? बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। बिग मतलब बड़ा और स्मॉल मतलब छोटा। पर यहाँ पर है बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, मतलब आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन लिखा है? सर्कल द बिगेस्ट एंड क्रॉस आउट द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच शेप्स। तो बिगेस्ट है वहाँ पर हमें सर्कल बनाना है, और स्मॉलेस्ट है वहाँ पर हमें क्रॉस बनाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में नंबर्स दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है? इसमें से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है और उसके ऊपर सर्कल बनाना है, और इसमें से ही सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है और उसके ऊपर क्रॉस बनाना है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको 7, 46, 10, 2 और 13 ये नंबर आपको दिए गए हैं। तो आप 1 से 100 तक नंबर बोलोगे, तो सबसे पहले जो नंबर आएगा इसमें से वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और सबसे लास्ट में जो नंबर आएगा वो सबसे बिगेस्ट होगा। तो आप 1 से बोलना शुरू करोगे, तो पहले कौन सा नंबर आता है? 2। तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हम यहाँ पर बनाएंगे क्रॉस। अब इन सब नंबर्स में से सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा? 1 से बोलोगे तो सबसे लास्ट में 46 आएगा, तो 46 बिगेस्ट नंबर है, तो हमें सर्कल बनाना है। ओके, समझ में आया आपको? अब यहाँ पर देखो, ये जो नंबर्स है उसमें आप 1 से बोलना शुरू करो। 1 से आप नंबर्स बोलोगे तो सबसे पहले नंबर 4 आएगा, तो सबसे पहले आया इसलिए ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, तो यहाँ पर हम बनाएंगे क्रॉस। अब आगे आगे आप नंबर्स बोलते जाओगे तो सबसे लास्ट में आएगा नंबर 63। तो 63 सबसे बिगेस्ट नंबर हुआ, तो उसके ऊपर हम सर्कल बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो, इन सब नंबर्स में से सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? 1। यस, तो 1 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर पे क्या करेंगे? क्रॉस। ओके, और सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा आप बोलो, इसमें से आपको देखना है और नंबर्स बोलने हैं। तो सबसे लास्ट में आएगा 2525। तो आपको क्या करना है? सर्कल बनाना है। यस, ओके। अब यहाँ पर देखो, आपको 1 से नंबर्स बोलने हैं, तो सबसे पहले आएगा नंबर 6। तो 6 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो हमें यहाँ पर क्रॉस बनाना है। ओके, और सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा इसमें से? 98। यस, तो यहाँ पर सर्कल बनाओ। बना दिया सर्कल। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा आप नंबर बोलोगे तो? नंबर 3। यस, तो ये स्मॉलेस्ट है, तो हम क्रॉस बनाएंगे। अब सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा? 33।
नो, 33 के बाद 43 आता है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, तो ये बिगेस्ट नंबर हुआ, तो यहाँ पर हमें सर्कल बनाना है। ओके, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? नंबर 6, यस, तो यहाँ पर हम बनाएंगे क्रॉस। अब 6 के बाद आगे देखो कौन सा नंबर आएगा सबसे लास्ट में? 26? नो, 26 के बाद तो 36 आता है, आप 26, 27, 28, 29, 30, 30 और 31 की लाइन में 36 आता है, यस, तो ये सबसे बिगेस्ट नंबर हुआ ना, तो यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे। अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3, तो यहाँ पर क्रॉस, और बिगेस्ट 52, तो यहाँ पर सर्कल। अब इसमें देखो 1 है, तो 1 तो सबसे पहले आता है नंबर्स में, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हुआ ना, तो यहाँ पर क्रॉस करो। और लास्ट में कौन सा नंबर आएगा इन सब में से? बिग नंबर कौन सा है? 99, यस, तो यहाँ पर सर्कल बनाओ। बना दिया सर्कल, अब आपको क्या करना है? पेज टर्न करना है और पेज नंबर ओपन करना है 134। 134 पे ऊपर आज की डेट लिखो। लिख दी डेट, अब यहाँ पर क्या लिखा है? टिक द स्मॉलर नंबर इन ईच पेयर, तो यहाँ पर आपको नंबर्स दिए गए हैं, उसमें से सबसे स्मॉलर यानी कि छोटा नंबर जो है उसके ऊपर हमें क्या करना है? टिक करना है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने जैसे पहले बताया वैसे ही आपको 1 से नंबर बोलना शुरू करना है। ओके, तो 1 से शुरू करोगे तो 29 और 92 में से पहले कौन सा नंबर आएगा? 29, तो ये सबसे स्मॉल है। ओके, तो यहाँ पर टिक करो। अब 1 से नंबर्स बोलोगे तो पहले 52 आता है या 25? आप नंबर्स बोलो, पहले आता है 25, तो ये स्मॉल नंबर हुआ, तो यहाँ पे टिक करो। अब 34 और 43, इसमें से पहले कौन सा नंबर आता है? 34, यस, तो आपको 34 पे टिक करना है। अब यहाँ पर देखो 1313 और 3131, तो आप 1 से नंबर बोलोगे, 1 2 ऐसे बोलोगे, तो पहले कौन सा नंबर आएगा? 1313, तो ये स्मॉलर नंबर हुआ, तो यहाँ पर टिक करो। ओके, अब यहाँ पर देखो 4774, तो इसमें से स्मॉलर नंबर है 47, तो यहाँ पर टिक करो। अब 8228, तो इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है? पहले कौन सा नंबर आएगा? 28, तो यहाँ पर टिक। ओके, अब 56, 65, तो इन दोनों में से पहले आता है 56, तो यहाँ पर टिक करो। ओके, अब 38, 83, तो इसमें से पहले आएगा 38, तो यहाँ पर टिक करो। ओके, अब आपको ये बुक क्लोज करनी है और लेनी है मैथ्स क्लास वर्क बुक। ओके, मैथ्स क्लास वर्क बुक में आपको ये पेज करना है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा है और यहाँ पर मैंने बॉक्स बनाए हैं, उसमें मैंने नंबर्स लिखे हैं, तो आपको क्या करना है? इसी तरह से नंबर लिखने हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा है इंस्ट्रक्शन कि सर्कल दी बिगेस्ट नंबर, तो
इसमें से सबसे जो बिग नंबर है यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो है उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है। ओके, तो आपको ये पेज मैथ्स क्लास वर्कबुक में कंप्लीट करना है। इसमें आपको देखना है कि सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है और उसके ऊपर सर्कल बनाना है। इसी तरह से ये भी कंप्लीट करना है आपको अच्छे से। ओके, अब आपको क्या करना है, ये बुक क्लोज करनी है और लेनी है मैथ्स होमवर्क बुक। ओके, मैथ्स होमवर्क बुक में आपको क्या लिखना है, ये पेज लिखना है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, पहले आज की डेट और ये हेडिंग। हेडिंग मैंने लिखा है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा, तो इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है। ओके, तो ये पेज में आपको स्मॉलेस्ट नंबर पे सर्कल बनाना है और ये आपको मैथ्स होमवर्क बुक में लिखना है। ओके, ये लिखने के बाद हम ये बुक क्लोज करेंगे।